अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, फिट फाट होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी हो गया है जी सुबह का टाइम, तो आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ जी अपनी मॉर्निंग रूटीन या डेली रूटीन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जी नाश्ता, और नाश्ते में मैं सिंपल चाय, अंडा और पराठा बना लूँगी। सिंपल सा नाश्ता है जो हर घर में हर सुबह बनता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी 1 कप दूध, और उसमें मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून चाय की जो पत्ती होती है। तो यहाँ पे गाय का दूध यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट दूध ही ले लिया, क्योंकि वो बहुत पतला होता है और पानी नहीं डाला उसमें। तो उसके साथ मैं बना लूँगी अभी बल वाला पराठा। तो उसके लिए मैंने एक पेड़ा लेके उसको बेल लिया है, और उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है, और सिंपल उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर लिया है। तो इसको मैं पेड़ा बना के 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद इसको बेलूँगी। तो जी यहाँ पे हो गई है जी चाय रेडी, और इसको मैं रख लूँगी साइड पे, और साथ में अभी मैं पराठा बना लूँगी। पराठे का पेड़ा मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, तो अभी ये आसानी से बेल जाएगा। यहाँ हो गया जी हमारा नाश्ता रेडी, और अभी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता वगैरह फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ मार्केट। पहले मैंने थोड़े बहुत काम कर लिए थे घर के, बर्तन वगैरह धो के, क्लीनिंग करके, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी जी मार्केट, मुझे कुछ सामान लेना था, ग्रॉसरी करनी थी थोड़ी, और मैंने शॉपिंग वगैरह कर ली थी, और अभी हम जा रहे हैं जी घर वापस। तो मैं यहाँ लेके आई थी जी मार्केट से क्यूकम्बर हैं, उसके बाद ये स्नैक्स वगैरह हैं, बिस्किट्स हैं, केक हैं, क्रीम है, बटर है, पीचेस हैं, गाजर है, एप्पल्स हैं, और ये चिकन था, और साथ में बनाना थे, हरी मिर्चें हैं, और साथ में ये लाइम है थोड़े से, और उसके बाद ये थी अदरक, और ये है कोला, और साथ में क्लीनर। तो अभी मैं इन सब को रख दूँगी जी इनकी अपनी जगह सेट करके, सारी चीज़ों को, सब्जियों को, फ्रूट्स को। मैं इनको क्लीन करके नहीं रख रही, तो जिस टाइम मुझे इसको यूज़ करना होगा तो मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक दो दफ़ा मैंने इस तरह क्लीन करके धो के रखी थी सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह, तो वो सारे बहुत जल्द ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं एज़ इट इज़ इनको रख दूँगी, और जब यूज़ करने लगूँगी तो फिर वॉश कर लिया करूँगी।
अभी हो गया है जी यहाँ शाम का टाइम और मैंने अपने लिए बना लिया था जी बनाना शेक शाम को। और साथ में मैं तैयारी कर रही थी जी रात के खाने की, तो यहाँ मैंने दाल भिगो के रख दी थी 1 घंटा पहले। तो मैं बना रही हूँ जी लेंटल सूप मर्जमिक चोरबा, जो तुर्किश का फेमस चोरबा है। तो यहाँ पे मैंने उसको बनाने के लिए ले लिया है जी 1.5 प्याज और 1.5 आलू और 1 छोटी वाली गाजर को मैंने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि बाद में मैंने इनको ब्लेंड करना है। और 1 कप मैंने दाल ले ली थी। तो मैं बना रही हूँ कम क्वांटिटी में, पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसकी फुल रेसिपी। इसे मैं बना रही हूँ जी ज़रा देसी टच के साथ, तो मैं इसकी ऑथेंटिक रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी 1 पॉट, उसमें डाल दी है दाल और इतना उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है कि जी दाल फुल डिप हो जाए। और उसमें मैंने ये सारी कटी हुई वेजीज डाल दी हैं और साथ में 1 कनौर का क्यूब डाल दिया है। और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी जी 1 टीस्पून नमक। तो साथ में मैं अभी इसको कवर करके रख दूँगी जी बॉयल होने के लिए। और अभी जब तक वो बॉयल हो रहा है तब तक मैं इसका ज़रा मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने ले लिया था जी थोड़ा सा लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, इनका मैंने पेस्ट बना लिया था और मैंने बटर डाल के इसको फ्राई कर लिया था। तो ये जी बॉयल हो चुका है, तो वेजीज सारी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। तो मैंने इसमें डाल दिया है जी 2 टीस्पून मिक्स मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ही हल्दी। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ में मैं ये जो मसाला तैयार किया है ये अच्छे से जब भुन गया है तो मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया है। तो मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे पका लिया था। और अभी मैं इसको कर लूँगी जी ब्लेंड। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ इसको ब्लेंड करने के लिए हैंड ब्लेंडर। तो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको जार में भी, जो मिक्सर का जग होता है उसमें भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें ब्लेंड करने से पहले आप इसको 10-15 मिनट ठंडा कर लीजिएगा। तो ये ब्लेंड हो चुका था और ये अब रेडी हो गया है सूप। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और ये है जी हमारे सूप की फाइनल लुक। तो चलिए जी इसके साथ ही मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।